नमस्कार देवी और सज्जनों, साइबर हंटर लॉन्च हो गया था आपको मालूम होगा, लेकिन अभी गेम हम नहीं खेल पा रहे थे क्योंकि सर्वर लॉकडाउन था इसका। बट आज सर्वर ओपन है और हम गेम खेल पा रहे हैं। और सुनने में ये आ रहा है कि लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये गेम पबजी की सब्जी निकाल देगा। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे गेम प्ले दिखाता हूँ, थोड़ा यहाँ पे रिव्यू करेंगे, उसके बाद देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं इसको कि क्या सच में इसके अंदर इतनी दम है कि ये पबजी को टक्कर दे सकता है। तो आइए, आपके सामने मैं यहाँ पे होम स्क्रीन पे हूँ, बात करूंगा अगर पबजी के जो लॉबी होता है उसके कम उसे कंपेयर करें तो चीजें कुछ वैसे ही हैं। बाकी जो आप कॉस्ट्यूम वगैरह चेक करते हैं, चेंज करते हैं, वो सभी आपको यहाँ मिलेंगे, कैरेक्टर चेंज करने के लिए मिलेगा। कुछ यहाँ पे जो कैरेक्टर को लेके बात करूँ, थोड़ा डीपली यहाँ पे इसको यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे आंखों के कलर से लेके आपके थोबड़े का साइज क्या होगा, आपकी जॉ लाइन कैसी होगी, आपका नोज, आपकी दाढ़ी, आपका ये सब चीजें कैसी होंगी, बहुत कुछ इस मतलब काफी बारीकी से इस पर ध्यान दिया गया है। बात करूं वॉइस चैट की, तो ये आपको इस गेम में मिलेगा। और गेम प्ले जब स्टार्ट आप करोगे तो सेम चीज यहाँ पे वही होता है, पबजी वाला हाल है। आप सभी एक जगह पे इकट्ठे होते हो एक लोकेशन पे, और यहाँ आने के बाद आप यहाँ पे ये है कि कुछ गन्स रखी हुई है, पहले जब आप चेकआउट कर सकते हो जाके ये कैसे चलती है, क्या है उनके अंदर। और यहाँ पे जैसे ही लोग इकट्ठे होते हैं और एक लिमिट है वहां तक पहुंचते हैं, उसके बाद आप एक प्लेन में आते हैं। यहाँ पे हर चीज थोड़ा एडवांस रखा गया है यार, मतलब लगता है ये इसे फ्यूचर गेम्स होते हैं ना, फ्यूचर की मूवीज होती है, उससे उठाया गया कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा लगता है देखने में। क्योंकि जहां तक बात करूं प्लेन की, जो पबजी में होता है यहाँ पे अलग ही है, बंदूक भी बहुत ही अलग ही है। सो यही है यहाँ पे, आप एक अलग से स्पेसशिप टाइप कुछ होता है यहाँ पे, उसमें अंदर बंद होते हो, वहां से निकलने के बाद जब जंप करते हो तो पबजी की तरफ पैराशूट पे नहीं बल्कि एक स्केटबोर्ड जैसा होता है, उसके ऊपर आप ड्राइव करते हुए नीचे की तरफ जाते हो। वहां पे आप अपनी स्पीड कम ज्यादा कर सकते हो जहां आपको लोकेशन चूज कर रहा है। मैप की बात करूं तो मैप भी यहाँ पे पबजी की तरह तरह ही है, मतलब लोकेशन के नाम वगैरह दिए हुए हैं और कुछ है जो जगह पे आपको लूट अच्छी मिलेगी, कुछ जगह लूट बहुत कम मिलेगी। आपको उतरना है, उसके बाद अपने हिसाब से लूट मचाना है, लूट करना है आइटम्स को। लूटने के बाद जो बात करूं गाड़ियों की, तो वो भी यहाँ पे फ्यूचर वाली ही मिलती है यार, मतलब नॉर्मल आपको नहीं देखने को मिलेगी। कार बस जो भी यहाँ मिलेगा वो सब कुछ थोड़ा अलग ही डिजाइन का है। एक चीज यहाँ पे ऐसी है जो पबजी से बिल्कुल हटके यहाँ पे है, वो है कि यहाँ पे आपके पास स्पाइडर मैन की थोड़ी बहुत पावर दी गई है। इसका मतलब ये है कि आप मतलब जाला बना के स्विंग तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ दीवारों पर चढ़ना और चढ़ते चढ़ते बिल्डिंग पर पहुंच जाना, ऊपर छत पर चढ़ना, दीवारों से चिपक जाना, ये सब चीजें यहाँ पे है, इस गेम में मिलेगी आपको। सो ये काफी काम की भी है, दिखाए तो वैसे तो ये है बड़ा ही अनरियलिस्टिक, बट काम की है गेम में दिखाया था। क्योंकि अगर आपके पास घर पे चढ़ने के लिए रास्ता नहीं मिल पा रहा है, इसे पबजी में खोजते हैं, बिल्डिंग के चारों तरफ दौड़ते रहते हैं कहाँ जाना है हमें ऊपर, यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे कहीं से भी चले जाओ, बिल्डिंग के आगे पीछे ऊपर नीचे से चिपक के ऊपर चले जाओगे। उसके बाद एनिमीज आते हैं, एनिमीज को आप गाड़ी से ठोको चाहे आप बंदूक से ठोको, वो आपके ऊपर है। यहाँ भी वही है, अपने आपका दोस्त स्क्वायर टीम होती है, रिवाइव कर सकते हो। और मैं एक बात बताऊँ, थोड़ा बहुत बग है इस गेम में, इस गेम में भी थोड़ा बहुत बग है, लेकिन जितना बात करूँ पहले वर्जन को लेके, तो पहला वर्जन जितना बेहतरीन इस गेम का है, वक्त आके साथ साथ और अपग्रेड करेंगे ही, जाहिर सी बात है, लेकिन मुझे गेम खेल के मजा आया। मैं अगर अपनी बात करूँ, मुझे गेम खेल के मजा आया, मुझे जो चीज़ें इसमें दिखी पबजी से कंपेयर करूँ तो अच्छा दिखा। प्लस एक बात और, ग्राफिक्स समझ जाना यार, ग्राफिक्स मैंने बिल्कुल लो कर रखा है, बहुत जितना मिनिमम हो सकता कर रखा है, क्योंकि ग्राफिक्स, क्योंकि मैं गेम रिकॉर्ड कर रहा हूँ और हाई पे करके खेलते वक्त गेम रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था, बार बार रिकॉर्डर बंद हो जा रहा था, तो हाई पे क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है। मैं हाई पे आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट हाई पे क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो ये बिल्कुल लो पे है और अच्छी है। गेम खेल के देखना एक बार, आपको मजा आएगा, मैं कह सकता हूँ। गेम उस लायक तो है कि एक बार आप उसको चेकआउट जरूर करो, एक बार खेल के देखो। बाकी यही कहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके गेम एक बार ट्राई जरूर करना, क्योंकि अगर आपका नाम कुछ यूनिक खुचाते हो तो मिल जाएगा, वरना एक बार कोई और इस गेम को डाउनलोड कर लिया फिर आपका नाम चला जाएगा, सीधी सी बात है। सो यही था हमारे गेम में, आपको जो दिखाने वाला था अच्छे गेम प्ले में, यही था हमारे गेम को लेके। और बाकी जो उसके बारे में डीप जानकारी और होगी आपको बताते जाऊंगा मैं धीरे धीरे। बाकी गेम और गेम प्ले आपके सामने है, देख लो। और लिंक पता ही आपको, गेम फ्री में है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर डाउनलोड कर लेना, थोड़ा बहुत गेम खेल के देखो और कमेंट करके बताना जरूर, कमेंट करके बताना जरूर कि गेम आपको कैसा लगा। एक बात और यार, बिना खेले मत जज करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिमागदार लोग भी हैं मुझे पता है, तो बिना खेले मत जज कर लेना, खेल के देखो उसके बाद देखते हैं कैसा लगा गेम आपको, फिर बात करेंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, ये चैनल काम का लगे आपके तो सब्सक्राइब करना। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, सिंध से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल।